आज हमारे साथ है न्यूली इलेक्टेड जीएम जो कि भारत के 47 जीएम है, हिमांशु शर्मा जी। प्लीज़ बताइए आपका सफ़र कैसा रहा। शुरुआत से शुरू करूं तो मैं अपना चेस लाइफ ऑलमोस्ट 8 ईयर्स की उम्र में स्टार्ट किया था। वहाँ से मैंने 13 ईयर की एज में स्टेट सीनियर चैम्पियनशिप जीती थी, जो कि एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, क्योंकि किसी हरियाणा में किसी 13 वर्षीय बच्चे का स्टेट चैम्पियनशिप जीतना किसी अचंभे से कम नहीं था। उसके बाद नेशनल अंडर 18 2000 में मैं फ़र्स्ट आया था, जो कि और एक बड़ी बात थी, क्योंकि हरियाणा का कोई खिलाड़ी नेशनल में चैम्पियन बने उस समय 2000 के टाइम में, ये बड़ा मुश्किल और एक असंभव लक्ष्य दिखता था। परंतु मैं खुशी हूँ कि ईश्वर की कृपा से और सभी बड़ों के आशीर्वादों से ये सफल हुआ। और उसके बाद ही जो चेस की लाइफ में ग्रोथ हुई वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। 2007-6 में मैं आईएम बन गया, और उसके बाद जो 2014 में मुंबई में मेयर्स कप में मेरे को फर्स्ट जीएम नॉम मिला, फिर 2015 में किट में ओडिशा सेकंड जीएम नॉम, और फिर स्पेन में मैंने अभी 2016 में थर्ड जीएम नॉम कम्प्लीट करके अभी रिसेंटली ग्रैंड मास्टर के टाइटल की जो रेटिंग बैरियर था उसको कम्प्लीट किया। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता बीच में काफ़ी गैप हो गया? आपने जीएम नॉम तो पहले ही कंप्लीट कर लिए थे लेकिन आपकी रेटिंग शायद ऊपर नहीं जा पा रही थी। देखिए, किसी भी खिलाड़ी के जीवन में अगर चढ़ाव आता है तो उतार भी आता है। आपको निरंतर अपने खेल के अंदर जो बारीकियां हैं, जो कमियां हैं, उनको दूर करते रहना होता है। उतार आने का मतलब ये होता है कि आपके खेल में कुछ बारीकियाँ हैं जिनको आप पूरी तरह से दूर नहीं कर पा रहे हो। और मेरा मानना तो ये है कि आपका खेल, आपका जीवन जितना चुनौतियों से भरा हुआ रहेगा, चढ़ाव चढ़ने का रास्ता उतना ही खुलता जाएगा। और हाँ, अवश्य जीवन के कुछ समय में रेटिंग मेरा कम हो गया था, 2350 के अंडर थोड़ा आ गया था, लेकिन वहाँ के बाद जो रिकअप हुआ वो भी एक अच्छा पल रहा है, और उसके बाद से अभी तक रेटिंग बढ़ ही रहा है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि इसको जितना आगे हो सके उतना आगे लेकर जाऊँ। अच्छा, एक चीज़ है, आप का अब आगे का क्या लक्ष्य है? आगे का लक्ष्य यही है कि अभी 2500 क्रॉस हुआ है तो नेक्स्ट स्टेप 2600 का होना है, और इसके लिए जो भी मेरे को प्रयास करने की आवश्यकता होगी उसके ऊपर पूरा कंसंट्रेट करके उसको लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी मेहनत करूँगा और इसे जल्दी से जल्दी पूरा करने का प्रयास करूँगा। आप जो भारत के जो यंग युवा हैं जो कि चेस में कुछ करना चाहते हैं, उनको क्या आप एडवाइस करेंगे? उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो अपने ऊपर बिलीव कीजिए, क्योंकि आपके पास अच्छे कोच या असीमित सीमित साधन हो और आप यूँ लगता हो कि आपके लिए बढ़ना मुश्किल है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको आप दूर नहीं कर सकते। क्योंकि अगर जीवन में कोई व्यक्ति किसी उद्देश्य को छू सकता है तो आप भी उस उद्देश्य को छू सकते हैं। अगर कुछ काम मैंने कर दिखाया तो वो आप भी करके दिखा सकते हैं। यही संकल्प शक्ति, दृढ़ शक्ति और अपनी इच्छा शक्ति के ऊपर बढ़ाते हुए ध्यान रखिए कि आपके लिए लक्ष्य अचीवेबल है और इसको आप एक दिन पा लेंगे। बस लक्ष्य से भटकिए ना और उसके ऊपर नियंत्रण रखते हुए आगे बढ़िए। धन्यवाद हिमांशु शर्मा जी।